नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल हेल्पर क्लब में। दोस्तों आज मेनली बात करने वाला हूँ मेरी जो सक्सेस स्टोरी रही है मैसो सप्लाई पर, वो कैसे रही, कैसे मैंने स्टार्टिंग की, कैसे मैंने आज तक 1,00,000 रुपये उससे कमाए, तो उस सभी चीज़ों की बात करेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहें, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिए, अदरवाइज आप इसे स्किप करके जा सकती हैं। दोस्तों एक समय था जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करता था, इनकम भी अच्छी हो रही थी पर इतनी कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी क्योंकि स्टार्टिंग थी एफिलिएट मार्केटिंग की। आज मेरे को इस चीज़ की नॉलेज भी अच्छी हो गई है डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यूज करके एफिलिएट से अच्छा अर्न कर सकता हूँ या करता हूँ। लेकिन मैसो सप्लाई के बारे में मैंने एक वीडियो देखी थी, ऑनलाइन सीए नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने डाली थी कि ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन है और इस पर आप काम कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उस टाइम पर रेफर एंड अर्न का ऑप्शन नहीं था मैसो सप्लाई में, केवल रीसेलिंग का ऑप्शन था। तो उस समय हुआ क्या कि मेरी एक वीडियो थी हाउ टू स्टार्ट कुर्ती बिजनेस, एक मेरा चैनल है हेल्पर क्लब के नाम से, तो उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन कुर्ती बिजनेस, तो उसके बारे में मैंने बताया। तो वहाँ से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे कि सर आपने ये तो बता दिया कि बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कुर्तियों का या लेडीज़ गारमेंट का, पर लेडीज़ गारमेंट खरीदें कहाँ से उसके बारे में भी हमें जानकारी दें। अब मैंने क्या किया, गूगल पे गया, गूगल पे जाके देखा कि जो टॉप होलसेलर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं जो लेडीज़ गारमेंट के, वो कौन सी हैं, उनके नंबर लेके मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। कुछ टाइम बाद मेरे को मैसो सप्लाई एप्लीकेशन के बारे में पता चला, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ये सारे कस्टमरों को मैं अपने पास ले लूं और इनको अपने प्रोडक्ट सेल करूं, मैसो के जो प्रोडक्ट है, और कमीशन लेके अपने एक नया स्टार्टअप शुरू कर दूं। तो ऐसा हुआ तो मैंने वहाँ से जो मैंने गूगल से नंबर लिए थे वो सारे डिलीट करके अपना नंबर दे दिया उस वीडियो के अंडर में, वो वीडियो हो गई वायरल। अब मेरे पर बहुत सारे कॉल, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आने लगे, मैंने ब्रॉडकास्ट बना दी सभी लोगों की जो कुर्ती से रिलेटेड या लेडीज़ गारमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे। मैंने 2-3 ब्रॉडकास्ट बनाई और मैसो सप्लाई से उन ब्रॉडकास्ट में प्रोडक्ट शेयर करता गया और वहाँ से बहुत सारे ऑर्डर मैंने लिए और अपना एक सेटअप बना लिया। अब जब वहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, अच्छी अर्निंग होने लगी, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी कि जो काम करने वाला बंदा था वो केवल एक ही था, वो था मैं। लेकिन इतने सारे ऑर्डर आते, इतने सारे कॉल्स आते, तो मैं कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता कि और भी काम देखने है। उस टाइम पे मेरा कॉलेज चल रहा था बीकॉम, तो उस टाइम पे मेरे को कॉलेज भी जाना है, घर पे आके ये सारी करनी है, एंट्री भी करनी है, सब कुछ देखना पड़ता, तो मैं उस टाइम पे बड़ा परेशान हो जाता था, कभी कभी फ़ोन तक नहीं उठाता था अपने कस्टमर्स के। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता कि अरे यार बिजनेस कर रहा हूँ, इनसे अर्निंग कर रहा हूँ, इनके ही माध्यम से मेरे को अर्निंग हो रही है और इनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ टाइम बाद मेरे एक भैया थे, मैंने बोला कि यार मैं ये कस्टमर्स को संभाल नहीं पा रहा, आप एक काम करिए, मेरे इन कस्टमर को आप संभाल लीजिए, आप तो कहीं कॉलेज भी नहीं जाते, घर पे रहते हो पूरे दिन। तो जब उन्होंने मेरा बिजनेस ले लिया तो उसके बाद उन्होंने थोड़े टाइम तक वो काम किया सेलिंग की, पर वो भी परेशान हो गई क्योंकि जो मैसो पर प्रोडक्ट मिलते हैं मेनली ज़्यादातर प्रोडक्ट लेडीज़ के होते हैं, और जो प्रोडक्ट लेडीज़ को हम सेल करते हैं तो थोड़ा लेडीज़ों से बात करने में, क्योंकि वो बहुत बातें बनाती हैं, तो उस टाइम पर उन्हें कन्वेंस करना बड़ा मुश्किल होता था। तो मेरा जो कंजिन था जो मेरे बिजनेस को संभाल रहा था, उसने मेरे को मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं संभाल पाऊँगा, और बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे काम होते हैं, उससे उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि नहीं मैं ये आपका काम नहीं संभाल सकता। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो खुद ही करते हैं, फिर मैंने थोड़ा एडजस्ट किया और थोड़ी बहुत मुश्किल हुई, चलो उनको सभी को एडजस्ट कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आ गया है मैसो सप्लाई में। रेफर करने पर जब किसी को हम रेफर करते हैं और कोई उससे फर्स्ट ऑर्डर करता है तो 250 रुपये मिल जाते हैं वहाँ पे, मैंने ये तो अच्छा है, और 6 महीने तक उसमें 5% कमीशन भी मिल जाता है जितना भी वो टोटल ख़रीदेगा, तो मैंने ये दूसरा बड़ा अच्छी चीज़ है, और 18 महीने तक 1% कमीशन मिलता है जितना भी वो टोटल खरीदेगा, मैंने ये उससे भी अच्छी चीज़ है, मतलब रिकरिंग अर्निंग मॉडल बन गया। रिकरिंग अर्निंग मॉडल वो होता है जिससे आप एक बार काम करो लंबे समय तक आपकी इनकम होती रहे। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने जो वीडियो मेरी वायरल हो रही थी हाउ टू स्टार्ट कुर्ती बिजनेस वाली, तो उसमें मैंने अपना नंबर हटा के अपना रेफर लिंक दे दिया और इसके बारे में एक और वीडियो बना के डाल दी कि ऐसे ऐसे आप यहाँ से खरीद सकते हो सीधा एप्लीकेशन से। तो वहाँ से मेरे साथ लोग कनेक्ट होते गए,
धीमे धीमे टाइम ये हुआ कि इतने सारे लोग कनेक्ट हो रहे, बहुत सारे लोग, इनकम भी बहुत अच्छी हो रही और बोनस भी बहुत मिल रहा, तो एकदम एक बूम की कंडीशन आ गई मेरे बिजनेस की, जो जे कर्व बन चुका था। तो इतनी अच्छी इनकम होने लगी, मैं बड़ा खुश कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बहुत अच्छी इनकम दे रहा है। तो इस तरह से मेरी एक मैसो सप्लाई की जर्नी रही, यहाँ से मैंने अर्निंग की और मेरे कुछ टाइम बाद 1,00,000 रुपये टोटल होने वाले हैं मैसो सप्लाई से। तो एक थोड़ा सा या छोटा सा सेलिब्रेशन मैं ज़रूर रखूँगा इसके लिए, तो आप उस वीडियो को देख लेना। और मैसो वालों से मेरी बात होती रहती है, उनके कॉल वगैरह भी आते रहते हैं और मेरे साथ 1,000 लोग मैसो पर जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी थोड़ी सी सफलता की कहानी। बहुत बार प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में, लेकिन अगर आप उसे छोड़ देते हो तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आता। अगर मैं उस टाइम पर परेशान होकर इस चीज़ को छोड़ देता और इस एप्लीकेशन को देखता भी नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं चलता कभी कि रिफर एंड अर्न का ऑप्शन भी इसमें आएगा और मैं इससे इतनी अच्छी अर्निंग कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी स्टोरी, शायद आपको थोड़ा अच्छा लगा हुआ इसे सुन के कि कभी भी क्वाइट नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा लड़ना चाहिए चीज़ों से, और उसे एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।